उस राम का कोई गुलाम बन जाए, वो दोनों जहान के शायद हर देवता भगवान से भी खुशी ज्यादा हासिल कर ले। पर उसका गुलाम होना बड़ा मुश्किल है। इंसान अपने विचारों का धनी है, अपने विचारों का गुलाम है, अपने एक तंग दायरा, एक सीमित दायरा बनाया हुआ है, उसका गुलाम है। भगवान का बनना बड़ा मुश्किल है। और जो बन जाते हैं, जो बने उनके नाम अमर हो गए और हमेशा होते रहेंगे। अमर तब को पाने के लिए नहीं, जीते जी तमाम खुशियां मिले और मरणोपरांत मोक्ष मिले। जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति मोक्ष, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मोक्ष। ये मोक्ष मिल जाए इसलिए भगवान का नाम जपो, अमर तब तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो भाई मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी है। टीचर मास्टर लेक्चरर आप यहाँ स्कूल में जाएंगे, उसकी ड्यूटी है पढ़ाना ही पढ़ाना है। रात को एक चौकीदार डंडा देके उसको आप घुमाते रहते हैं तो उसको पैसा देते हैं, उसकी ड्यूटी है रात को अपनी ड्यूटी बजाना। कहीं कोई गलत आदमी देखा, कोई वहाँ कॉलोनी से बाहर का आदमी देखा तो वो डंडा ज़्यादा बजाएगा। होशियार होशियार सावधान, तो समझने वाला समझ जाए तो आदमी अपनी चोरी से बच जाए। तो संत पीर फकीर एक फकीर की तरह, हम तो आपको उस चौकीदार की तरह समझाते हैं। वो रात को ही समझाता, हम तो दिन रात लगे रहते हैं। जब भी कोई हमसे बात करे, जब भी कोई हमसे पूछे, हमारा तो एम, हमारा तो बिजनेस ही है कि आपको समझाएं। आगे आपकी मर्जी, हमने बता दिया कि आपके लिए खड्डे हैं, मखमल भी बिछा हुआ है, मर्जी आपकी। आप गड्ढों वाले रास्ते पे चलो चाहे मखमल वाले रास्ते पे, मखमल पे फिसलोगे नहीं, बल्कि अगर फिसलोगे तो मालिक की गोद में जा विराजोगे, और गड्ढों वाले इन पे गिरोगे तो कांटों से लहूलुहान होगे, जिंदगी भर सारी उम्र तड़फते रहोगे। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी रास्ते पे चलो। राम नाम का रास्ता मखमल का है और मन माया का रास्ता गड्ढों का रास्ता है।